अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कंसेप्ट कि ये बेसिकली ये जो ज़्यादातर गिग सेलर कहते हैं कि 301 रिडायरेक्ट फ्राम DA90+ वेबसाइट, इसका मतलब क्या है। तो ये मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों के कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, जिस वजह से वो इसे पूरे तरीके से समझ नहीं पाए। तो बेसिकली ये वर्क इस तरह करता है, अगर आपने 301 रीडायरेक्ट का टोटल समझा हो कंसेप्ट, तो ये बेसिकली होती ये चीज़ है कि हम गूगल को कहते हैं कि हमने अपना जो सारा सामान है वो हम किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो आप जो भी कोई नया कस्टमर आए या न्यू विजिटर आए, आपने उसको हमारी न्यू लोकेशन का बता देना है। तो वो जो लिंक चूज होता है वो कम्प्लीटली एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को पास हो जाता है। अब जैसे फोर्ब्स है ना, फोर्ब्स का DA होगा 9, इसका DA चेक करते हैं। तो इसका DA 95 है, मतलब अब ये जो फोर्ब्स है ना, ये किसी भी डोमेन को लिंक कर रही है जो कि अब एक्सपायर हो चुकी है। अब हम उस डोमेन को फाइंड कर लेते हैं और उससे क्लाइंट या मनी वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर देते हैं, तो वो ऐसे ही होगा कि मतलब ये जो मिडल मैन है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गूगल, मतलब वो ऐसे गूगल की नज़र में वो ऐसे ही होगा जैसे फोर्ब्स से डायरेक्ट आपकी वेबसाइट या आपकी क्लाइंट की वेबसाइट को लिंक हो रहा है। जो एक्सपायर डोमेन है वो तो बेसिकली वो एक मिडल मैन बन कर रह जाएगी, मतलब उसके बाद जो कुछ भी है वो हमारी न्यू वेबसाइट को दे देगी, वो सारी अथॉरिटी और सारा कुछ। और ये काम इस तरह करता है कि यहाँ से हम डोमेन को ओपन करते हैं एचडीएफएस में, और यहाँ से लिंक डोमेन्स ओपन करते हैं। तो मतलब ये सारी अब वो डोमेन है जो फोर्ब्स जिनको आगे डू फॉलो बैक लिंक्स दे रहे हैं, यहाँ से डू फॉलो सेलेक्ट कर ले। तो ये वो डोमेन्स है जिनको फोर्ब्स डू फॉलो बैक लिंक दे रहे हैं। अब हम यहाँ से ढूंढेंगे एक्सपायर्ड डोमेन्स, मतलब इनमें से अगर हमें एक्सपायर्ड मिल गई ना, तो वो ऐसे ही होगी जैसे फोर्ब्स से अगर हम उसके ऊपर 301 रीडायरेक्ट लगा दें, तो वो डायरेक्ट फोर्ब्स से हमारी वेबसाइट या क्लाइंट की वेबसाइट का 301 रीडायरेक्ट माना जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट सिस्टम हो जाएगा कि फोर्ब्स से डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से तो इनकी वेबसाइट का थोड़ा इशू चल रहा है, इस वजह से हम स्क्रैप बॉक्स यूज करेंगे। अब यहाँ से सारे करते हैं कॉपी, तो डोमेन सारी पेस्ट हो गई। अब यहाँ से करेंगे चेक फॉर अनरजिस्टर्ड डोमेन्स, अब यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे। अब जो भी हमें डोमेन्स मिलेंगी वो सारी डोमेन्स हम सेल कर सकते हैं आगे गिग में, तो इस तरह करके ये सारा प्रोसीजर काम करता है।
इंशाल्लाह मैं अभी से वीडियो पॉज करूंगा और थोड़ी देर बाद जब हमें कोई डोमेन्स मिलती हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक्सपोर्ट अवेलेबल डोमेन्स, यहाँ पे फ्री डोमेन्स, तो करेंगे कॉपी। और ये देखें 51। अगर आप इन सब की बैक लिंक पर फाइल निकाल कर देखें, फॉर एग्जांपल अगर इसकी देखी जाए, तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारे DA93+ डोमेन्स हैं। और अगर इसको किया जाए गूगल के ऊपर, तो ये देख सकते हैं आप $100 की अवेलेबल है और इसकी बैकलिंक पर फाइल भी काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अब इस डोमेन को आप आगे सेल कर सकते हैं DA95 का कह के, या आप कह सकते हैं बैकलिंक फ्रॉम फोर्ब्स। अब इनको बल्क में भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे डीए वाली डोमेन्स भी हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें SEO मास्टर्स अकेडमी और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।